आदाब नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज। दोस्तों, कोलकाता में रहने वाले निवासियों को अक्सर देखा जाता है कि वो खाने पीने के मामले में बड़े ही शौकीन होते हैं, और खास करके जब बात आती है बिरयानी, निहारी या कबाब की, तो इनका तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। इसी बीच कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट में वाजनाब रेस्टोरेंट की एक शानदार ओपनिंग हुई। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि ये रेस्टोरेंट ने बीफ के हर आइटम्स को अपने मेन्यू में रखा है, चाहे वो कबाब से लेकर रिजाला ही क्यों ना हो। इस ग्रैंड ओपनिंग में वहां मौजूद रहे राज्यसभा के एमपी नदीमुल हक, उनकी वाइफ फरहा खान, आवास फाउंडेशन के फाउंडर फैसल खान, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन गुलाम रब्बानी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अली और एहतिशामुल हक। इसके साथ ही वहाँ मौजूद रहे अरहम फाउंडेशन के फाउंडर अशफाक अहमद। आइए दोस्तों, चलकर देखते हैं पूरा वीडियो। खुशी का दिन है कि हम लोग यहाँ पर बाकायदा जो फॉर्मल इनॉग्रेशन है इस वाह जनाब रेस्टोरेंट का, उसका जो ब्रांच है यहाँ पर फ्री स्कूल स्ट्रीट में, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग सबको आकर के यहाँ बहुत खुशी हुई है कि ऐसे इलाके में जहाँ पर पार्क स्ट्रीट से बहुत करीब है, ऐसे एक रेस्टोरेंट की शदीद ज़रूरत थी जहाँ पर हमारे लोग आ कर के बेझिझक खाना खा सकें। यकीनन यहाँ पर बहुत सारे पहले से भी रेस्टोरेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा मौका मिला कबाब चखने का, कि जो वाह जनाब का मेनू है उसमें थोड़ा खासियत है, थोड़ा सा अलग से है, और जो लोग भी खाएंगे उनको पसंद ही आएगा। मैं यहाँ पर फरदीन साहब हैं, अदनान साहब हैं, उमेर साहब हैं और सदर बाबू हैं जो खुद पूरा रेस्टोरेंट चलाएंगे, उनको दिल की गहराइयों से अपनी नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसा सोचे कि इस इलाके में आ कर करके अपना झंडा गाड़ने जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कई सालों तक कई वो हमको और हम लोग सबको बुलाते रहेंगे, जब जब इसका सालगिरह मनाएंगे, कि हम लोग आकर के हर बार यहाँ के जो भी उस वक्त का मेनू होगा उसमें आकर करके अपना चेक करके अपना कमेंट दे सके। हमारे साथ मुख्तार भाई हैं, हमारे साथ एहतिशाम भाई हैं, हमारे साथ आवास फाउंडेशन के खान साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सबको और आप लोग सबको फिर से मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ और नेक ख्वाहिशात के साथ अपनी बात करता हूँ। माशाल्लाह, वाह जनाब तो वाह जनाब है। वाह जनाब में हम लोग बहुत पहले से टेस्ट कर रहे थे, पुराना ब्रांच जो पार्क सर्कस में है, और यहाँ पे नया ब्रांच हुआ है। तो हमारे फ्रेंड्स है परदीन भाई, उमेर भाई, हमारे फ्रेंड्स है ऑनर जो है, बहुत लजीज है। कलकत्ता का नामचीन जितना भी होटल है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा डिश है। हम तमाम व्यूवर्स के, आपके जितने व्यूवर्स हैं, मैं तो बोलूँगा मुझे बहुत पसंद है, आप खुद टेस्ट करके देख लो, तब आपको पता चल जाएगा। शुक्रिया। हम लोग तो ऐसे बहुत बिजी होते हैं, मगर जब वीकेंड में रात में बैठते हैं तो वाह जनाब को ही याद करते हैं। मैंने नहारी ट्राई किया है, मैंने नली बिरयानी ट्राई किया है, मैंने कबाब, रियली वेरी गुड ऑसम फूड जिसे कहना चाहिए। उस दिन ये लोग आए थे तो भी मैंने बोला था खाना बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह हम लोग आते रहेंगे, खाते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। शुक्रिया। मैंने उसी दिन बोला था कि दिस इज वेरी प्राइम एरिया ना, तो हम लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमको पार्क स्ट्रीट एरिया, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पार्क स्ट्रीट पड़ जाएगा, तो दिस इज हैट्स ऑफ, दिस इज सो लकी ना जो ये जगह मिल गई, नहीं तो आजकल बहुत मुश्किल होती है हम लोगों के लिए, हम लोग के लिए खास करके जगह निकालना और ऐसी जगह पे हमको अपने आप को जमाना, अपने पैर को मजबूत करना, दिस इज वे। तो हैट्स ऑफ, अल्लाह इसको और तरक्की दे, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और हम लोग ऐसे इंजॉय करते रहे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह का एम्बियंस यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई फाइव स्टार होटल में हम लोग बैठे हुए हैं, और खाना वाकई में लाजवाब है। जिस तरह का रेस्टोरेंट और जिस तरह का खाने का टेस्ट यहाँ के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई यहाँ पे हैं, जो टेस्ट वो लोग करते हैं, वाकई में ये टेस्ट यहाँ मिल रहा है। बाकी सब जैसा रेस्टोरेंट है उस तरह का भी ये रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं आपके तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुलाम रब्बानी की आवाज़ आपके मीडिया के थ्रू जितने दूर तक जा रही है, वाह जनाब में इनके जितने भी ये सेकेंड ब्रांचेज है और भी जो ब्रांचेज इनका है, वहाँ भी जाकर टेस्ट करें। खाना का क्वालिटी, खाना का टेस्ट, खाना का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एक बार यहाँ भी आके ट्राई करें, हर रेस्टोरेंट जाते हैं हम लोग खाने के लिए, लेकिन यहाँ भी आके ट्राई करें, इंशाल्लाह इतना उम्मीद है कि आप उंगली चाट कर यहाँ से निकलेंगे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चीज़ है कलकत्ते का वाहिद माशाल्लाह जहाँ होटल है, जहाँ आप चाइनीज़ खाना बिल्कुल अपनी पसंद का हलाल बेझिझक खा सकते,
जिप्सी के बाद ये दूसरा होटल हुआ है जहाँ बिल्कुल इत्मीनान से, और माशाल्लाह जो यहाँ पे दिल्ली के स्टाइल का टेस्ट का खाना है जो आपको मिलेगा, ऑथेंटिक दिल्ली वाल खाना जिसे कहते हैं, नहारी वगैरह सब चीज़ें। उम्मीद है आप सबको माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिव्यू आप हमारे पहले वाजना वन जहाँ पे माशाल्लाह 365 दिन नहारी मिल रही है जो हमारी सबसे स्पेशली आइटम है, और बाकी जो सब चीज़ें हैं जो और जगह नहीं मिलती वो हमारे माशाल्लाह इस वाजना पे है। तो आप सब इंशाल्लाह ज़रूर आए और एक दफ़ा खा के अपने आप बताएं कि कैसी चीज़ है। शुक्रिया, अल्लाह में खैर करें भाई, करके हिम्मत करके दूसरा खोल दिया। अब आप लोग का दुआएं चाहिए, अल्लाह दुआएं होंगी तो ये भी वैसा चलेगा जैसे वन चलता इंशाल्लाह। भाई एक बार इंशाल्लाह यहाँ भी आएंगे तो यहाँ के भी वैसे ही रेगुलर हो जाएंगे जैसे वहाँ रेगुलर है इंशाल्लाह। खाइएगा इंशाल्लाह, अगर खाना आपको पसंद होगा तो खुद ही आइएगा तो खाना लेके आएगा इंशाल्लाह। शुक्र है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज हमने अपने सेकंड ब्रांच खोला और बहुत ही फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपने सारे गेस्ट को देंगे, और यहाँ पे चाइनीज, इंडियन, तंदूरी, मुगलाई सब मिलेगा और पूरा पाक स्ट्रीट का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको एक से एक वैरायटीज खाने की मिलेगी। जहाँ तक स्टार्ट करने की बात है तो ये पुश जो है ये मेरे पार्टनर मेरा भाई उमेर का था कि भाई करते हैं, काफ़ी साल से हम लोग सोचते थे, मौका नहीं हुआ, पैंडेमिक में टाइम मिला तो थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सक्सेस रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सबों का, फैमिली से लेके फ्रेंड्स सबों का। सर एक और सवाल भी भाई, तो हमारी ब्रांच अब इंशाल्लाह और भी ब्रांचेस होंगे या और भी आगे हो तो वाह जनाब भी नाम पेटेंट रहेगा, वो तो हमारा पेटेंट ट्रेडमार्क हो जाएगा, तो ये नाम बड़ा है उससे सोचा क्या दें, मुगलाई में कैसे ऐसा नाम दे जो लोगों को अट्रैक्ट करे और जो खाकर भी लोग ऑटोमेटिकली बोल सके कि वाह जनाब क्या खाया, तो इंशाल्लाह वैसा ही कोशिश है। सर आखिरी सवाल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है, उन लोग का सपोर्ट, उन लोग की दुआएं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत इम्पोर्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। देखिए अल्लाह का बहुत करम है कि हम लोगों ने ये वाजना वन स्टार्ट हुए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, और खैर से अब आप सब लोगों का, सब लोगों ने पसंद किया, उनका लव, उनकी दुआएं मिली, तो खैर से आज ये सेकंड वाजना खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बस हम यही चाहेंगे, यही कोशिश रहेगी कि आप लोग इसी तरह से पसंद करते रहें। ये यहाँ पर ये ब्रांच 80 सीटर है, और इस ब्रांच पे चाइनीज़ भी है, वाजना वन में चाइनीज़ नहीं था, हमने यहाँ चाइनीज़ भी ऐड किया है क्योंकि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़िश और चिकन के अलावा साथ साथ बीफ की प्रेपरेशन भी चाइनीज़ प्रेपरेशन है जो कि बहुत फेवरेट हो रही है। इन तीनों भाइयों की दोस्ती के लिए भी वाजना। One thing, I'm a chef. It's where it's related with food actually. Food से related हुआ है. And बहुत दिन के बाद है. Just honestly मैं बता रहा हूँ. It's not because कि शाहान has called me, शाहान ने बुलाया ये. Every food which was selected there was excellent, brilliant. The taste was delicious. I wanted to eat more, but then I have a commitment to go to one of my brothers actually, son, Hakika actually. तो और खा नहीं पाए थे actually. तो लेकिन हम, I also pray to my Jesus Christ that this place becomes more and flourish. You will not have to do any, only the thing is I told actually your manager is actually William, he's one of my friends, like a elder brother to me, so I've just said y'all only have to stick to the quality actually, otherwise there is no one who is going to stop you from getting business, so that will be we will definitely pray always, and I will definitely want to bring my family also here. And my friends also, I'll tell them to come here. Thank you so much. And thank you for the brilliant food. Thank you. बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे हम तमाम लोगों को कि इतने अच्छे ढंग से हमने देखा कि हम तमाम, खासकर शाहान और तमाम आप लोगों के जितने भी मीडिया लोगों को भी मैं आपके ज़रिए से यहाँ पे आया हूँ, मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाह जनाब, वाकई में वाह जनाब, जो है उनका जो स्टार्टर हमने खाया है, मतलब काबिले सताइश की बात है कि शायद कलकत्ता शहर में इस तरह का बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिला करते। तो इसलिए मैं बहुत तमाम जितने भी लोग हैं, इनके फरदीन भाई और जितने भी उनके पार्टनर हैं, जितने भी इनके साथ जुड़े हुए वाह जनाब के,
तो हम बहुत अच्छा लजीज खाना है इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दिन दुना रात चौगना हो। हम लोग ये अल्लाह से दुआ करेंगे ताकि ये जो इलाका है, ये इलाके में समझ लिए बहुत सारे लोग बाहर विदेशों से भी आते, खासकर बांग्लादेश से। तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जिस तरह से हमारे तमाम बूम जो ये समझ लिए कलकत्ता के, ये लोग समझ लिए कि कलकत्ता ही नहीं बंगाल को ये लोग समझ लिए जिंदा करके रखा है। तो इन लोगों के जरिए से समझ लिए बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। ताकि हर, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि हर पोर्टल जो है उसमें अगर आप ऐड देते हैं वाह जनाब का, तो इससे बेनिफिट मिलेगा। और मेरी एक जाती मशवरा है कि यहाँ पे जितने ही बड़े बड़े शोरूम वगैरह है उसमें अगर अपना ब्रोशर, अपना विजिटिंग कार्ड अगर देंगे ताकि लोगों आपका इससे ऐड होगा, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लजीज खाना है, बहुत चलेगा। मेरी दुआ है अल्लाह से कि आपका कारोबार दिन दुना रात चौगना हो। एक दो और एक ब्रांच कहीं और है आपका, ये दूसरा हुआ, तो इंशाल्लाह आने वाले 2023 में हम सब सोचेंगे कि वाह जनाब का एक और नया ब्रांच बड़े तौर पर हो। ये हमारी दुआ हमेशा रहेगी। और बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम लोगों को और हमारे जितने भी यहाँ पर मेहमान शामिल हुए उन सभी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। वाह जनाब के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि माशाल्लाह बहुत लजीज पकवान है इनके यहाँ का। और अभी अभी हम लोगों ने कई डिशेस जो कॉमन है, लेकिन उनमें जो सबसे अलग है जो अभी हम लोगों ने टेस्ट किया उसका नाम शिकारी, जो अभी हमारे उमैर भाई ने बताया कि शिकारी एक डिश है यहाँ पर, जो वाकई में मैंने तो अभी तक कहीं उसको नहीं टेस्ट किया, जो यहाँ मेरे लिए मुनफरिद है। वो बिल्कुल अलग है और बहुत ही जायका, माने वो मालूम हो रहा हलवा है वो अंदर चला जा रहा है, वो इतना बेहतरीन आइटम यहाँ का। मैं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर आएं, कोशिश करें कि यहाँ पे वहाँ जनाब जो आप आने के बाद ही आपको समझ में बात आएगी कि इसका जायका बिल्कुल अलग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह तमाम लोगों की मेहनत, इनका उन लोगों के जद्दोजहद, इनकी मुशक्क़त। ये अभी उमर भाई बता रहे थे कि आज 15 रोज से मुसलसल वो पहले इसको लो प्रोफाइल में चल रहे थे और अब जाकर इनको कहीं खुद तशफी हो रही है कि चीज़ अच्छी है। और हम लोगों ने भी खाकर देखा कि वाकई में ये जो शिकारी जो कबाब है इसका शिकार हम लोग बन गए हैं, हम लोग शिकार हो गए हैं आज इस शिकारी के। तो मैं लोगों से दरख्वास्त भी करूंगा कि वो यहाँ ज़रूर एक बार आएँ, पूरी फैमिली के साथ आएँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लोगों का हुस्न अखलाक भी है, लोग जो तवाज़ो कर रहे हैं यहाँ पर वो भी एक अपनी जगह में माने उस मुनफरिद चीज़ है। तो दरख्वास्त है मेरी तमाम लोगों से कि एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर पूरी फैमिली के साथ आकर लुत्फानंदोज़ हो, यहाँ के जायका से सरशार हो जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। खुदा हाफिज़। कुछ भी ट्राई कर लीजिए, मैं बता सकता हूँ कि आप रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह हर वीक कोशिश करूँगा आने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये फैमिली रेस्टोरेंट है, आप फैमिली लेके आ सकते हैं। और कलकत्ता में हम लोग को ऐसा रेस्टोरेंट का बहुत ज़रूरत था जहाँ पर बीफ मिल सके, और बीफ का इतना कबाब है कि आप परेशान हो जाइए क्या खाएं क्या खाएं। ये कि सब आए, सबको बहुत पसंद आया, जगह पसंद आया, एम्बियंस पसंद आया, खाना अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब आए ट्राई करें और हम लोग को बताएं, फीडबैक दें कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। यहाँ पे हमारे पास पार्टी की भी अरेंजमेंट्स हैं, आपको अगर अपनी किटी पार्टी करवानी है, बर्थडे पार्टीज करवानी है, इंगेजमेंट करवानी है, हमारे पास बैंकेट हैं, पूरा बैंकेट की तरह अरेंजमेंट हो जाएगी, हर चीज़ का इंतज़ाम है, सब हो जाएगा। और वैरायटीज़ हमारे पास खाने में बहुत हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ हैं, और भी मेन्यू में हम लोग ऐड करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जितने बेहतर हो, जितनी जल्दी हो सके आएँ, ट्राई करें और हमें फीडबैक दें कैसा लगा। सर एक इसकी फैसिलिटीज़ है, होम डिलीवरी भी है, कोई अगर कॉल करेगा तो अपने घर तक में खाना पहुँचा देंगे, स्विगी भी है, जोमेटो भी है, जैसी आपको सहूलत हो आप वैसा कर लें, हम लोग सर्विस देने के लिए तैयार हैं। जो कलकत्ता में बीफ रखा हुआ है तो चाइनीज़ हमारे पास बीफ में हर वैरायटी है, आपका चिली बीफ है, डबल फ्राइड बीफ है आपका, फिर आपका नूडल्स, बीफ नूडल्स है आपका, बीफ नूडल्स है, फिर आपका क्या कहते हैं चिली चिकन जो हम लोग बीफ है, फिर आपका क्या कहते हैं बीफ मंचूरियन हमारे पास, बीफ हमारे पास वैराइटीज़ बहुत है चाइनीज़ में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन बीफ। अगर आपको ट्राई करना है, हमारी स्पेशलिटी बीफ है, तो आप चाइनीज़ जो है वो भी बीफ में ट्राई कर सकते हैं।
बहुत जल्दी हम लोग सिजलर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टीक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी आप लोग को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो बुकिंग के मामले में हमारा ऊपर नीचे दोनों जगह है, हमारे जो ऊपर वाली जगह है उसमें अराउंड 50-60 पीपल आराम से आ सकते हैं, और ग्राउंड फ्लोर में भी सेम वैसी ही कैपेसिटी है। तो अगर आप दोनों बुकिंग करिए तो अराउंड 120 पीपल हम लोग आराम से एडजस्ट कर लेंगे। जी हम लोग केटरिंग बाहर में करते हैं, डिपेंड ऑन द ऑर्डर, आपको किस हिसाब से ऑर्डर चाहिए, क्या चीज़ की केटरिंग चाहिए, शादी की चाहिए, बर्थडे की, जो भी चाहिए, आउटडोर केटरिंग हम लोग के अवेलेबल है। हम लोग हर फैसिलिटी देते हैं, हम लोग हर सर्विस देते हैं।